अथमलगोला बांध बिहार। आप किस पंचायत से चुनाव लड़ रहे हैं? अथमलगोला प्रखंड के रामनगर करारी कक्षा पंचायत से चुनाव। आप जो चुनाव पंचायती राज का लड़ रहे हैं मुखिया पद के लिए, तो क्या ये निर्णय आपका निर्णय है? ये रामनगर करारी कक्षा जनता जनार्दन का ये निर्णय था कि आप चुनाव में, आप वर्षों से समाज का सेवा कर रहे हैं, आप चुनाव लड़िए, आपका विजय तय है। क्या लगता है कि जो कुछ लोग बोले और उनके बाद से आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या लगता है कि वो आपके साथ देंगे? वो तो जनता जनार्दन जाने, और हमारी जीत लगभग तय है। वो जनता, जो भी जनता है रामनगर करारी कछार के, वो सब मेरे लिए मैंने प्रचार प्रसार कर रहे हैं। यानी कि आपके जो जनता है इस पंचायत का, उनका इच्छा है और आपके लिए वो जनसंपर्क चला रहे हैं। तो आखिर यह जो है जनता आपको बोले और अन्य लोगों को न बोले, इसका मुख्य वजह क्या है? मेरा ये जो विगत 15-20 वर्षों जो समाज का जो मैं सेवा कर रहा हूँ, उसी सेवा का हमें फल मिला है। अब जनता का यही मैंने विश्वास था कि नहीं, आप ही सच्चा प्रतिनिधि बनेंगे, इसलिए आप चुनाव लड़िए हम लोग आपके साथ। आप जो वर्तमान मुखिया रहे हैं, निवर्तमान मुखिया रहे, उनको न चाहकर आपके चाह रहे, इसका वजह क्या है? कमीशन खोरी है, और इनका कमीशन खोरी था, और वार्ड नंबर 1 से लेकर वार्ड नंबर 13 तक कहीं भी उनका विकास, जो भी मुख्यमंत्री का 7 निश्चय योजना था, वो कहीं दिख नहीं रहा है। सतर्क जनता त्रास दी। क्या लगता है कि जब आप चुनाव जीतकर आएंगे, तो ये तमाम जो बाढ़ की चर्चा आप कर रहे हैं, मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना या अन्य विकास योजना, तो क्या उसको आप धरातल पर ला पाएंगे? मेरा यही विकास का मुद्दा है, कमीशन खोरी बंद करो, और जो भी विकास का काम है सरकार का, वो धरातल पर आए, यही मेरा नारा है। इसके लिए आपकी तैयारी कैसी? मेरी तैयारी जो भी है ठीक ठाक है, और बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। जनता का जहाँ भी है सम्मान मिल रहा है, और यही मेरा उनका प्रसाद के रूप में मैं ग्रहण करता हूँ। किन तरह के लोगों का साथ आपका? सर्वांगीण रामनगर करारी कछार के जनता, और खास करके उन गरीब तबके के लिए जो त्रासदी है, वो मेरे साथ हैं, और उनका पहला पहचान है जो मैं हूँ संतोष कुमार। उनकी प्राथमिकता है संतोष कुमार को छोड़कर रामनगर करारी कछार के जनता। आप अपने पंचायत के युवा महिला इन सबों के लिए क्या प्लान किया? मैं विगत 10-15 वर्षों से युवाओं के खेल का, क्योंकि मैं एक सद्भावना खेलकूद अकादमी चलाता हूँ, जिसका मैं अध्यक्ष भी हूँ, और मैं युवाओं के लिए जो भी होगा, जो सरकार का जो भी उनका होगा, मैं उनको सतह पर उनको नौजवानों के लिए उतारूंगा। बेरोजगारों के लिए आप क्या आप पंचायतवासियों को क्या कहना चाहते हैं? कल मैं दिनांक 29/10/2021 को नामांकन करने जा रहा हूँ। तमाम अपने जो भी रामनगर करारी कछान के जनता हैं, मैं उनको सूचना देता हूँ, और मैं उनका आशीर्वाद की अभिलाषा रखता हूँ, और दीपावली और छठ पूजा की मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ।